दोस्तों 1 दिसंबर को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। पहली हुई सैम बहादुर जो कि विकी कौशल की है, और दूसरी है एनिमल मूवी जिसमें रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना नजर आ रही हैं। दोनों ही फिल्में बड़े पर्दे लायक थी और दोनों ही जबरदस्त फिल्में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों जब से एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से ही सैम बहादुर की मार्केटिंग और थोड़ा सा लोगों में पागलपन कम हो गया था, क्योंकि एनिमल का ट्रेलर इतना जबरदस्त रिलीज किया गया था। और अब दोस्तों जैसे ही एनिमल रिलीज हुई है सैम बहादुर के शोज कम होने लग गए हैं और लोग सैम बहादुर के बजाय एनिमल मूवी देखने के लिए ज्यादा जा रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि विकी कौशल की ये मूवी भी फ्लॉप की तरफ ही बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच विकी कौशल मीडिया को कहते हुए नजर आए कि भाई मेरी मूवी में कोई कमी नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मूवी देखने आ रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी मूवी सैम बहादुर रणबीर कपूर की एनिमल मूवी का मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मूवी खराब बनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब लोगों को देशभक्ति से ज्यादा टॉक्सिक मूवी ज्यादा पसंद आने लग गई हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर विकी कौशल ने रणबीर कपूर की मूवी को सीधा सीधा निशाना साधते हुए टॉक्सिक बता दिया है। और साथ ही विकी कौशल ने ये भी कहा कि अगर हमारे देश का यूथ ही ऐसी मूवीज देखने लग गया और ऐसी फिल्मों को पसंद करने लग गया तो हमारे यूथ में जो देशभक्ति की भावना है ना वो कम होती चली जाएगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों विकी कौशल ने एनिमल मूवी के खिलाफ काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे डाली है। अब ये स्टेटमेंट कितनी सही है कितनी गलत ये तो दोस्तों आप ही बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही ये भी बताना कि कौन सी मूवी हमें देखनी चाहिए, एनिमल या फिर विकी कौशल की सैम बहादुर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।